शहर को निकलने पर आमादा हो गई बाढ़। लोगों को सैलाब से बचाने वाले भी मदद के मोहताज हो गए। नदियों की प्रचंड धार ने मचाया हाहाकार, मरघट बन गए गांव, खेत और खलिहान। सैलाब ने अंतिम यात्रा का दर्द भी दर्दनाक बना दिया। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये सर्वनाश की शुरुआत है, जो सैलाब के रूप में आधे हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर उतारू है और लोग बेबस होकर अपनी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। ये बेबसी की इंतहा है। कुदरत के कहर से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए तो वो भी बाढ़ में बेबस हो गए। बाढ़ से रक्षा करने वालों को अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों की मदद का मोहताज हो जाते हैं। लाखों लोगों के सपने बहा ले जाने वाली बाढ़ ने एनडीआरएफ के जवानों को भी अपने चंगुल में जकड़ लिया। किसी की चमड़ी सड़ गई तो कोई बीमारी की चपेट में। बाढ़ में बेघर हो चुके लोगों के सामने अब भूख और बीमारियां मुंह बाए खड़ी हैं। जिन गांवों से बाढ़ का पानी उतरा वहां मरघट जैसा हाल है। चारों तरफ जानवरों की लाशें सड़ रही हैं। खेतों में खड़ी फसलों को बाढ़ की लहरें रौंद कर गुजर गई। खाने के पैकेट और पानी की बोतलों के सहारे कितने दिन गुजर बसर हो, ये सवाल अभी से लोगों को खून के आंसू रुला रहा है। मूसलाधार बारिश कुछ घंटों में ही शहर के शहर डुबो रही। आसमान से बरसते कोहराम से पूरा हिंदुस्तान हैरान परेशान। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ लोगों के घरों और सपनों पर भी पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। नदियां उफनाई हुई हैं, जिसमें साक्षात मौत हिलोरे मार रही है। चमोली जिले के घाट ब्लॉक में नंदाकिनी नदी अपने उफान पर है। लगातार बारिश के बाद ये नदी उफान पर है और सामने आप जो देख रहे हैं वो वही मकान थे, वहां पर मकान थे जो कल ढह गए थे। बाढ़ के पानी ने लोगों को मौत के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं। आसमान से आफत बरस रही है और मदद के लिए आसमान ही अब आखिरी रास्ता है। कुदरत इस बार बेहद खौफनाक रूप में है। बारिश के लिए तरस रहे इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश की मार से हाहाकार मच रही है। ओडिशा से लेकर कर्नाटक तक ऐसे ही अचानक आफत बरसी और देखते ही देखते सब कुछ डूब गया। पानी के जबरदस्त प्रहार के सामने हर कोई बेबस हो गया। सैलाब से सर्वनाश होता रहा और लोग लाचार होकर देखते रहे। ओडिशा के बलांगीर में चारों ओर सैलाब का हाहाकार है। ये इलाका समंदर के करीब 350 किलोमीटर दूर है, लेकिन मूसलाधार बारिश ने बलांगीर को इस कदर तबाह कर दिया है मानो यहाँ हिंद महासागर की विनाशकारी लहरों ने हमला कर दिया। पानी के प्रहार का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये बलांगीर के हरिशंकर मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर का सिंह द्वार किसी नदी पर बने पुल की तरह नजर आ रहा है। सोमवार को यहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सावन का आखिरी सोमवार था, इसीलिए हरिशंकर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी थी।
जो सैलाब में फंस गए। मंदिर के पास ही हरिशंकर झरना है, जिसके आसपास के इलाके में हाहाकार मचना शुरू हो गया। झरने के पास सैर सपाटा करने आए सैलानी सैलाब में फंस गए। लोग बदहवास होकर पानी की धारा पार करके सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकले, लेकिन बलांगीर में जमीन बची ही कहां थी। चारों तरफ तो दरिया उफान मार रहा था। आप देख सकते हैं कि पानी का कैसे बढ़ती जा रही है, थमने की नाम नहीं रही। जो बता रहे हैं कि गए दो दशंधि से ऐसे बारिश नहीं हुआ था। अभी ऊपर से पानी जो आ रहा है, नीचे ड्रेनर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए अभी ये मुश्किल आन पड़ी है। बलांगीर में भारी बारिश के बाद टीलों और पहाड़ियों की मिट्टी भी खिसकने लगी, जिससे बाढ़ और विनाशकारी हो गई। पानी की मार लोगों के घरों तक भी पहुंची। यहां हालात और गंभीर होने की आशंका है, क्योंकि अगले 24 घंटों तक बारिश थमने के आसार नहीं है। ये उस बलांगीर का हाल है जहां 19 जुलाई तक सूखा पड़ रहा था और सरकार पर दबाव था कि वो बलांगीर जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दे। अब वहीं लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। कर्नाटक के 17 जिलों में सैलाब का संकट लगातार गहराता जा रहा है। यहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। मंदिरों और किलों के लिए मशहूर कर्नाटक के कोप्पल जिले में विनाशकारी बाढ़ से लोगों को बचाने निकले एनडीआरएफ के 5 जवान जिस नाव में सवार थे, वो नाव बाढ़ में डूब गई। इनमें 3 जवान तो तैर कर बाहर निकल आए, लेकिन क्विक रिस्पांस टीम का एक जवान बाढ़ में फंस गया। उसने एक पेड़ के सहारे खुद को बहने से बचाया। बाद में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। परेशानियां जरूर होती है, डिफिकल्टी जरूर होती है, लेकिन हमारे पायलट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेंड हैं, जो कि वेदर परमिटिंग और उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो मिशंस अंडरटेक करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, कल आपने देखा होगा न्यूज़ में, जहाँ की NDRF की एक आदमी, उनकी बोट कैप्साइज होने के बाद एक पेड़ के ऊपर वो अपने बचाव के लिए पकड़े हुए थे। हमें जब पता चला, उस एक आदमी को बचाने के लिए हमने हेलीकॉप्टर लॉन्च किया और ऊपर से हेलीकॉप्टर से विंच गिराई और विंच से फिर हमने उनको ऊपर लिया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में लक्कावल्ली गांव भी बाढ़ में डूबा है। यहां जैन धर्म का एक बहुत पुराना मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। बेल्लारी जिले में विश्व प्रसिद्ध हम्पी बाढ़ में डूबा, तो वहां फंसे देश विदेश के पर्यटकों को बचाने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टरों को युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू करना पड़ा। Not have the exact figures, but there were 365 people who were rescued yesterday, and today we have a figure of about 200 or so who need to be rescued. कर्नाटक में एक हफ्ते बाद मूसलाधार बारिश और बाढ़ में अब थोड़ी कमी आई है। मंगलवार तक कर्नाटक में 48 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी थी। 16 लोगों का कहीं आता पता नहीं था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 7 लाख लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। करीब 42,000 मकान बाढ़ में ध्वस्त हुए हैं और 4,30,000 हेक्टेयर इलाके में फसल बर्बाद हो चुकी है। सिचुएशन इज वेरी वर्स्ट एंड आई एम श्योर एंड आल्सो फाइनेंस मिनिस्टर विजिटेड दैट प्लेस वेरी एनसर्टेनिटी एंड मोर देन 40,000 to 50,000 लॉसेस। मैदान के बाद अगर बात करें पहाड़ों की, तो उत्तराखंड के लोगों की जान आफत के त्रिकोण में फंसी हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश और बादल फटने से पहाड़ टूट रहे हैं और लोगों के घर नदी की उफनाई धारा में समा रहे हैं। जमोली के घाट ब्लॉक में बादल फटने से भूस्खलन में सोमवार को 2 मकान ध्वस्त हुए थे। 6 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद संकट का सैलाब अब दूसरे मकानों के लिए भी खतरा बन चुका है। कई मकानों की दीवारें दरक गई, बुनियाद हिल चुकी है, जो तेज बारिश का झटका भी बर्दाश्त कर पाने की हालत में नहीं। घाट ब्लॉक के उन गांवों तक का सफर हम कर रहे हैं जहां कल बड़ा हादसा हुआ था। सोमवार को जहां बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई है, और इस रास्ते में हम जो है लाखी गांव के नज़दीक पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। ऊपर से ये पूरी की पूरी जो चट्टान है वो इन दुकानों पर आके गिर गई है, और ये जो इसकी जो छत है इसको तोड़ते हुए इस दुकानों के अंदर ये जो चट्टान है आप देख सकते हैं, ये चट्टान जो है इसके अंदर ये दिखाई दे रही है साफ तौर पर, यहाँ पर चट्टान आ गई है।
ऋषिकेश में गंगा नदी की धार विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है। पहाड़ पर लगातार तेज बारिश के बाद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मुश्किल से 1 फीट नीचे है और गंगा किनारे रहने वालों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं उत्तरकाशी में यमुना का उफान भी तेज होता जा रहा है। यहां यमुना की धार में एक बैल फंस गया, जिसे 48 घंटे बाद SDRF के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला। उत्तराखंड के ही श्रीनगर में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे नंबर 58 पर आ गिरा, जिसकी चपेट में आकर एक बाइक सवार अलकनंदा नदी में समा गया। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये टूटी हुई है आपके घर के पास, कब ये हुआ था? ये सर परसों शाम को हुआ था। हाँ। इसमें ये पूरा पुस्ता अभी एक महीने पहले ही लगा हुआ था, ये सीधे बैठ गया है नीचे। NH50 ये बद्री केदार को जोड़ता हुआ मीन रोड है, ये देहरादून ऋषिकेश से मेन हाईवे NH50 जो बद्री केदार को जोड़ता है, इसमें भी खतरा बना हुआ है। गंगा और यमुना के उफान का असर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी नजर आने लगा है। यहाँ संगम के कई घाट पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का खतरा भांपते हुए प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं को चेतावनी दी है कि वो स्नान के लिए बनाए गए बैरिकेड को पार न करें। माँ गंगा का जो है जलस्तर बढ़ रहा है, यमुना जी का जो है जलस्तर में इतनी ज्यादा वो नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो ये शायद पानी हनुमानगढ़ी तक होता। प्रयागराज में गंगा और यमुना फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन यहाँ बाढ़ का हमला कभी भी हो सकता है, इसीलिए प्रशासन ने अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली में पंचगंगा और कृष्णा नदी का कहर अब थमने लगा है, लेकिन 8 दिन तक बाढ़ ने जो कोहराम मचाया उसका नतीजा लोगों को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, बर्बादी बेहद खौफनाक रूप में लोगों के सामने खड़ी है। सैलाब ने उन जवानों को भी नहीं बख्शा जो देवदूत बनकर लोगों को बचाने आए थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ का पानी उतरा तो तबाही का वो मंजर सामने आया जो अब तक बाढ़ के पानी में छिपा हुआ था। सांगली में कृष्णा नदी का पानी उतरा तो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन रास्ते पर लौटी राहत के दाएं बाएं सिर्फ बर्बादी के निशान ही नजर आ रहे हैं। खेतों में किसानों की उम्मीदें और उनके सपने बाढ़ ने पूरी तरह रौंद डाल। खेतों की हालत कीचड़ भरे तालाब जैसी हो चुकी है। केले की फसल है, केले की फसल इस तरफ, जब हम पहले दिन यहाँ पहुंचे थे गुंडवाड़ी गांव में, तो पानी जो है काफी ऊपर तक भरा हुआ था। इस वहाँ जो घर आपको दिख रहा है वहां तक पानी भरा हुआ था, लेकिन आप देखिए जब पानी उतरा है तो फसलों का क्या हाल हुआ। केले की जो फसल है देखिए, केले के जो पेड़ है किस तरह से खराब हो गए हैं। महाराष्ट्र में जो किसान है वो केले की खेती और गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए ये परिस्थिति है, पूरी फसल नुकसान हो गई है। और अभी भी देखिए किनारा जो है कृष्णा नदी का वो जो है अभी भी पानी जो है काफी नीचे तक गया है, लेकिन देखिए यहाँ परिस्थिति किस तरह से बिगड़ी हुई है। और जो ये परिस्थिति है आप देखिए, ये फसलें देखिए बिल्कुल खराब हो गई हैं। अब मतलब अब ये इन्हें निकालना पड़ेगा। पानी तो उतर गया है, बाढ़ग्रस्त जो सांगली था कई ज्यादातर इलाकों से पानी उतर गया है, लेकिन जो फसलें खराब हुई हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि उसी के ऊपर किसान निर्भर रहता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार किस तरह से करती है। सांगली के कई गांवों में अब तक वीराना पसरा है। सुकवारी गांव में बाढ़ के पानी में जानवरों की लाशें सड़ रही हैं। बदबू इतनी कि सांस लेना भी दूभर है, और खतरा ये है कि कहीं पूरे इलाके में महामारी न फैल जाए। डॉक्टर भी आगाह कर रहे हैं कि जो इलाके बाढ़ की चपेट में थे वहां बीमारियां किसी भी वक्त धावा बोल सकती हैं।
धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हो चुका है, उसके अंदर अलग अलग जानवर भी मरे हुए हैं। और जैसे हम अलग बाकी भी लोगों को प्रिवेंशन के लिए कि अभी जो डिजीज़ है वो डिजीज़ फैलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है। इनको भी हम सतर्क कर रहे हैं कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, कि डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो हमेशा यहाँ के जो आजू बाजू के जो लोग हैं और जो भी पानी में रहे हैं, जो भी पानी के कॉन्टैक्ट में आने वाले, वो हमेशा सभी लोगों ने लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी डिजीज़ जो है उनसे प्रिवेंशन हो सकता है। कोल्हापुर में तो बाढ़ से पैदा हुई बीमारियों का हमला शुरू भी हो चुका है। इसकी चपेट में सबसे पहले एनडीआरएफ के वो जवान आए जिन्होंने 8 दिन तक पानी से सीधी जंग लड़ी। इनमें से कुछ जवानों के पैरों की चमड़ी तक सड़ने लगी है। कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ के इन हालातों के बीच जो देवदूत हैं वो हैं एनडीआरएफ के लोग। खासतौर पर अगर देखें तो इन देवदूतों के ये वो पैर हैं जो बुरी तरह से लोगों को बचाने में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आलम यह है कि पैर के कई हिस्से जो है पानी में लगातार 24 घंटे रहने की वजह से जो है वो चोटिल हो चुके हैं। न केवल चोटिल हुए हैं बल्कि सीड़न की जो है चोटों के अलावा जो है जो सफ़ेद परत आई है वो आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। कोल्हापुर में नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें अब बचाव का काम पूरा कर चुकी हैं और बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके लोगों तक राहत का सामान पहुंचाने में जुटी हैं। जरूरी दवाइयां, खाने के पैकेट और पीने का पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में जुटे एनडीआरएफ, सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवानों ने लोगों का दिल जीत लिया। इन जवानों के लिए हर जान कीमती थी, चाहे वो किसी जानवर की ही क्यों ना। बाढ़ पीड़ितों के लिए जवान मसीहा की तरह आए। बचाव अभियान खत्म करके जब सेना के जवान अपने अगले मिशन के लिए रवाना हुए तो कोल्हापुर में भावनाओं का सैलाब भी उमड़ा। बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने अपने रक्षकों को राखी बांधी। लोगों ने सैनिकों के सिर पर परंपरागत साफा बांधकर उनको सम्मानित किया। रक्षाबंधन है और यहाँ पर कोल्हापुर में देखें तो जो जवान है उनके हाथों में राखी बांध रही हैं महिलाएं और लगातार जो है कहीं ना कहीं अपना प्रेम जता रही हैं, क्योंकि वजह है इस भीषण हालात में जब यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ऐसे में इन महिलाओं को जो है बचा कर निकालने का काम आर्मी ने किया था, जिसकी वजह से अब जब ये इनका डिप्लॉयमेंट किसी दूसरी जगह हो रहा है तो ऐसे में इन अधिकारियों को, इन पुलिस, इन आर्मी के लोगों को जो है महिलाएं यहाँ की राखी बांध रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया हुआ था और कहीं ना कहीं जो है आरती उतार रही हैं और अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। एक चीज़ बताएं आप लोग कि आप लोग जो आरती उतार रही हैं, प्रेम प्रकट कर रही हैं, राखी बांध रही हैं, कहीं ना कहीं आप लोग ये मानते हैं कि बुरे हालातों में इन्होंने सबसे ज्यादा मदद की। सबसे भारी अच्छा करे ये लोग, तुम आए हम लोग खुशी से हम बन रहे, हमारे बेटा, हमारे बच्चे आए, हमारी जान बचा रहे, हमारी जान बचा रहे हमारे के लिए, तुम्हारा हमें शुक्रिया अदा करेंगे। कोल्हापुर, सांगली और सतारा में सितम ढाने वाले सैलाब ने 9 दिन में 43 लोगों की जान ले ली। यहाँ 584 गांवों के 4,74,000 से ज्यादा लोग अभी राहत शिविरों में हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ से बर्बादी का हिसाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर, सांगली और सतारा के बाढ़ पीड़ितों के लिए 4,708 करोड़ रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। बारिश के मौसम में आफत बरसने का सिलसिला पूरे देश में चल रहा है। पंजाब के लुधियाना में मंगलवार को फिर मुसीबत मूसलाधार बरसी। सड़कों पर दरिया बहने लगा और ये हाल सिर्फ 1 घंटे की बारिश का नतीजा। बारिश वजह से काफी लेट हो गए तो हो जाएंगे। कितना पानी? पानी करीब 2 फुट लगभग रोड पे भरा है। हाँ जी, कितनी देर में हुआ ये पानी? ये तो खाली 1 घंटे में बस इतना हो गया। हिमाचल प्रदेश में तो लोग आसमान पर बादल देखकर भी कांपने लगे। पर्यटकों के पसंदीदा शहर कुल्लू में पहाड़ धसकने की घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। यहाँ रोज कोई न कोई सड़क भूस्खलन की वजह से बंद हो रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग तो भुगत ही रहे हैं। इससे सैलानियों का संकट भी बढ़ गया।